सरकार झूठी है, सरकार झूठ बोल रही है, कानून मंत्री झूठ बोल रहे हैं, सदन के बाकी भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर ऑफ हाउस हैं वो झूठ बोल रहे हैं, मंत्री झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल चर्चा नहीं चाहते, भाग रहे हैं। देखिए जिस तरह से आज आनन फानन में संजय सिंह को सस्पेंड किया गया क्योंकि वो मणिपुर पर चर्चा करने के लिए, हम सारे लोग, पूरा विपक्ष इस चीज के लिए डिमांड कर रहा है कि आप मणिपुर पर चर्चा करिए। चेयरमैन साहब 267 के 27 नोटिसेज आज जो है रिसीव हुए थे, लेकिन 267 का जिक्र करने के बजाय उससे पहले बाकी बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सीधे सीधे कहीं ना कहीं मणिपुर पर चर्चा से भागने की जो सरकार की रणनीति है उसका एक परिणाम है, और पूरा विपक्ष एकजुट है। हम विपक्ष के किसी भी सांसद के सस्पेंशन के खिलाफ हैं। मणिपुर पर चर्चा करिए, प्रधानमंत्री सदन में आए, अपना स्टेटमेंट दें, और उसके बाद 267 के तहत मणिपुर पर चर्चा हो, क्योंकि मणिपुर जल रहा है, मणिपुर अभी भी जल रहा है। मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है वो इतिहास में बहुत शर्मनाक घटना है, और ये सरकार जो है वो कन्नी काट करके उससे बच नहीं सकती। किसी एक के सस्पेंशन से मणिपुर को आप पीछे नहीं छोड़ सकते, मणिपुर पर चर्चा आपको करनी पड़ेगी। सरकार कह रही है, अर्जुन राम मेघवाल जी कह रहे हैं कि अपोजिशन डिस्कशन जाती है, डिस्कशन के लिए तैयार है, अब क्या मुद्दा है जो है, हम चाहते हैं कि जो भी एट्रोसिटीज पूरे देश में हो रही है उस पर चर्चा हो। सरकार झूठी है, सरकार झूठ बोल रही है, कानून मंत्री झूठ बोल रहे हैं, सदन के बाकी भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर ऑफ हाउस हैं वो झूठ बोल रहे हैं, मंत्री झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल चर्चा नहीं चाहते, भाग रहे हैं। 267 के तहत मणिपुर जैसे विषय पर पूरे दिन चर्चा करिए, प्रधानमंत्री जवाब दें। सरकार शुद्ध रूप से झूठ बोल रही है, उसी तरह से जैसे 80 दिन प्रधानमंत्री चुप रहे, उसी तरह से सरकार चाहती है कि सदन के अंदर भी विपक्ष चुप रहे, लेकिन विपक्ष चुप नहीं रहेगा। राहुल गांधी जी खुद मणिपुर होकर के आए हैं, मणिपुर की पीड़ा पूरे देश ने देखी है, जिस तरह महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया है, ये इतिहास में शर्मनाक घटना है। अब माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसका स्वागत करता हूं।